पार हॉलीवुड और बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड्स को तो तोड़ दिया था, लेकिन क्या दोस्तों ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन बाहुबली 2 के रिकॉर्ड्स को तोड़ पाई है या नहीं, ये इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। और कंपैरिजन करने वाले हैं दोस्तों कि केजीएफ चैप्टर 2 और बाहुबली 2 में अपने पहले दिन की बाजी हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर किसने मारी है और कौन बना है बॉक्स ऑफिस का किंग। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप भी रॉकिंग स्टार यश और सुपरस्टार प्रभास के डायहार्ड फैन से और उनकी फिल्मों को देखना पसंद करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं फिल्म बाहुबली 2 के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में। ऐसी फिल्म थी बाहुबली 2 जिसके लीड में आपको पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास, राणा डग्गुबत्ती, अनुष्का शेट्टी और तमन्ना भाटिया नजर आई थी। लगभग 250 करोड़ रुपए के बजट से बनने वाली दोस्तों इस फिल्म को ऑल ओवर इंडिया में 6000 स्क्रीन्स और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर लगभग 9000 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था, जहां पर इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से आउटस्टैंडिंग रिव्यूज मिले थे। इस फिल्म की कहानी और इस में सुपरस्टार प्रभास के लुक्स और उनका एक्शन ऑडियंस को काफी पसंद आया और यही वजह रही दोस्तों कि बाहुबली 2 ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर जहां अपने पहले दिन तो लगभग 150 करोड़ का आंकड़ा पार किया, वहीं दोस्तों दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले ही दिन 215 करोड़ रुपए की कमाई करने वाली उस वक्त की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। इस फिल्म को दोस्तों हिंदी बॉक्स ऑफिस पर भी 2017 में काफी बेहतरीन ओपनिंग मिली और इस फिल्म ने हिंदी में जहां 41 करोड़ रुपए की धमाकेदार ओपनिंग ली, तो वहीं दोस्तों अपने शुरुआती चार ही दिनों में ये फिल्म हिंदी बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी थी। अगर बात की जाए दोस्तों यहां पर इस फिल्म के लाइफ टाइम की, दोस्तों हिंदी में इस फिल्म का जो लाइफ टाइम है वो 511 करोड़ और इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का जो लाइफ टाइम है वो 1400 करोड़ का रहा है और दुनिया भर से 1788 करोड़ की कमाई के साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बनी हुई है। वहीं अगर बात की जाए दोस्तों केजीएफ चैप्टर 2 के बारे में, जिसे कि आज इंडियन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज कर दिया गया है, और यकीन मानिए दोस्तों इस फिल्म ने भी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर जिस तरह की धमाकेदार ओपनिंग ली है उसके बाद दोस्तों इंडियन हिस्ट्री के था। प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनने वाली दोस्तों इस एक्शन फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर जहां 6000 स्क्रीन्स और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 10000 से ज्यादा स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया, वही दोस्तों इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले ही दिन एडवांस के मामले में ही 80 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली थी। इस फिल्म ने दोस्तों एडवांस बुकिंग के मामले में तो बाहुबली 2 के रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया, स्क्रीन्स के मामले में भी दोस्तों ये फिल्म बाहुबली 2 से 1000 से ज्यादा स्क्रीन ज्यादा है। वहीं अगर बात की जाए बॉक्स ऑफिस की, तो दोस्तों रॉकिंग स्टार यश की इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से आउटस्टैंडिंग रिव्यूज मिल रहे हैं। इस फिल्म का एक्शन, इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और इस फिल्म की स्टोरी को ऑडियंस पसंद कर रही है। साथ ही साथ दोस्तों तो क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म को वन ऑफ द बेस्ट रिव्यूज दिए हैं। आज मॉर्निंग से ही दोस्तों इस फिल्म के जो शो है वो रात के 1 बजे से ही शुरू हो गए थे और इतनी रात वाले शो भी दोस्तों इस फिल्म के आज हाउसफुल थे। दोस्तों बता दें आपको कि हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा में इस फिल्म की आज की जो मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी थी वो 90% से ज्यादा की थी, जो कि एक तरह से हिस्टोरिक ऑक्यूपेंसी है। और इस फिल्म ने हिंदी बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले ही दिन एडवांस के मामले में ही बाहुबली 2 के पहले दिन के कलेक्शन के जो कलेक्शन है वो हिंदी में काफी बेहतरीन रहे। दोस्तों मॉर्निंग में इस फिल्म को 90% की ऑक्यूपेंसी मिली, आफ्टरनून में इस फिल्म की जो ऑक्यूपेंसी थी वो लगभग 100% की थी, इवनिंग और नाइट के दोस्तों इस फिल्म के सभी शो हाउसफुल है। यहाँ तक कि दोस्तों इस फिल्म के टिकट्स दो दो तीन तीन दिन तक नहीं मिलने वाले। यही वजह है दोस्तों कि केजीएफ चैप्टर 2 ने जहां हिंदी में तो अपने पहले दिन 62 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है, वही दोस्तों इस फिल्म का तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषा में मिलाकर अपने पहले ही दिन का जो कलेक्शन है वो 170 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर रहा है। ये फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन 230 करोड़ रुपए की कमाई करके बाहुबली 2 के रिकॉर्ड्स को तोड़ रही है और इंडियन बॉक्स ऑफिस की सबसे बड़ी ओपनर
सिकंदर के साथ साथ अपने पहले ही दिन सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर भी बनने जा रही है। दोस्तों बताते चले आपको कि इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन के मामले में तो बाहुबली 2 के रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है, लेकिन दोस्तों ओवरसीज के मामले में KGF चैप्टर 2 बाहुबली 2 के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से थोड़ा पीछे रह चुकी है। अब देखना यही है दोस्तों कि क्या लाइफ टाइम में बाहुबली 2 ने जिस तरह से हिंदी में 511 करोड़ की कमाई की है, क्या KGF चैप्टर 2 भी हिंदी में 511 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर पाती है या नहीं, और इस फिल्म का जो लाइफ टाइम है वो 2000 करोड़ का रहता है या नहीं। आपको दोस्तों इन दोनों ही फिल्मों में कौन सी फिल्म ज्यादा पसंद आई हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और बॉक्स ऑफिस बॉलीवुड और साउथ से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।